आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर 21 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है रिटर्न्स टू स्केल, अर्थात पैमाने का प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल या रिटर्न्स टू स्केल से आप क्या समझते हैं? जैसे अपन पैमाने और एक होता है अनुपात, है ना। पैमाना मतलब स्केल होता है, अनुपात मतलब रेशो होता है। तो अपन जब पैमाने की बात करते हैं और अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात को हम अल्पकालीन समयावधि से जोड़ते हैं और पैमाने को दीर्घकालीन समयावधि से जोड़ते हैं। जो परिवर्तनशील अनुपात जो हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था वो अपना क्या है, अल्पकालीन समयावधि से तात्पर्य रखता है, और जो पैमाने का प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल है ये दीर्घकाल से संबंधित होता है। पैमाने के प्रतिफल या उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है। यह हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि समयावधि के अनुसार दो पीरियड में आपको डिफाइन किया गया है, लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं और उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई प्लांट कोई कहीं पर लगाया और हम चाहें पूरे प्लांट को कोई दूसरे स्टेट में जाकर के लगा सके, तो इतनी हमारे पास समयावधि होती है कि हम उस प्लांट को दूसरे क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल को तीन भागों में डिवाइड किया है, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और पैमाने का घटता प्रतिफल डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। हम बात करेंगे पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। तो ये आपको पहले अच्छे से ध्यान रखना, पैमाने की बात कर रहे हैं तो ये लॉन्ग पीरियड से संबंधित है। जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? जब उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो निश्चित अनुपात में बढ़ाने से पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत की हम बात कर रहे हैं तो उत्पादन उस निश्चित अनुपात के पैमाने से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है तो उसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, यदि उत्पत्ति के साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में भी 10% से अधिक की वृद्धि होती है तो उत्पादन में, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण यह वृद्धि होती है। और ये किस कारणों से होती है तो हम यहाँ बात करेंगे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण दो चीज़ ऐसी हैं जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, और यहाँ पर अपन उत्पादन के क्षेत्र में अपन दो चीज़ की और बात करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। जो आंतरिक एवं बाह्य वस्ती होती हैं ये भी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को, नियम को प्रदर्शित करती हैं, इनसे भी पैमाने में वृद्धि होती है। और जब ये इकोनॉमीज जो बसते हैं वो डिस इकोनॉमीज में बदल जाती हैं तो पैमाने में घटते प्रतिफल से वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बढ़ते प्रतिफल की, कि उत्पादन में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण या उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसा कि अपन डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में हमने क्या है, OX अक्ष पर ने क्या लिया, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में के अंतर्गत हम देख रहे हैं साधन ए को लिया है और OY अक्ष पर ने साधन बी को लिया है। ये हमारे IP1, IP2, IP3, IP4 ये चार हमारे आइसो प्रोडक्ट कर्व होते हैं जिसको समुत्पाद वक्र भी कहते हैं। ये आइसो प्रोडक्ट कर्व हमारे जो हैं इनके जो कॉम्बिनेशन के पॉइंट हैं वो अपने कौन से हैं, P, Q, R और T, ये अपने क्या है, इनके कॉम्बिनेशन के पॉइंट हैं। OS क्या है, पैमाने की रेखा है जिसको अपन पैमाने की रेखा कहते हैं। इस पैमाने की रेखा को IP1 कर्व कहाँ पर टच कर रहा है, P बिंदु पर टच कर रहा है। इस P बिंदु पर उत्पादन कितना हो रहा है, 100 के बराबर हो रहा है। जब IP2 वक्र पर हम देखें तो इस IP2 वक्र पैमाने की रेखा को PQ बिंदु पर टच कर रहा है और Q बिंदु पर कितना हो रहा है, 200 उत्पादन हो रहा है। इसी तरह R और T बिंदु पर भी कितना हो रहा है, 300 और 400 हो रहा है। हम देख रहे हैं कि चारों पॉइंटों पर उत्पादन में एक समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा जो पैमाने का प्रतिफल है वो हमें क्या बताता है, दो उत्पत्ति के साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादन को एक समानुपात अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। इसी वृद्धि को अपन पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत देखते हैं। ये हमारे साधन है Y साधन, X, A, साधन क्या है, A1, B1,
A1, A2, A3, A4 है। इसी तरह से साधन B में क्या है, B, B1, B2 और V3 है। इस तरह से ये अपने चार साधन हैं। इन साधनों के भिन्न विभिन्न संयोग से उत्पादक को एक समान उत्पत्ति की प्राप्ति हो रही है। इसको अपन पैमाने के बढ़ते प्रतिबल के नाम से जानते हैं। और इसको अपन फार्मूले के रूप में ये भी कह सकते हैं कि अपन देख रहे हैं कि जो P और Q है, तो वहाँ पर पी क्यू अधिक है किससे, QR से। देख रहे हैं पी क्यू का डिस्टेंस जो है वो QR से अधिक है, और QR का जो डिस्टेंस है वो RT से अधिक है। इसलिए हम कह सकते हैं PQ मोर देन QR मोर देन RT। इस तरह से ये बढ़ते हुए क्रम को बता रहा है। सेकेंड है आपका पैमाने का स्थिर प्रतिफल, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। यदि उत्पादन के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है, ठीक है ना। स्थिर मतलब कॉन्स्टेंट, ऐसा ना कमी हो रही ना ज़्यादा हो, ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो जिस साधनों को एक निश्चित अनुपात में जब बढ़ाया जाता है तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात में बढ़ता है। इस प्रकार से उत्पत्ति वृद्धि इस पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नियम कहा जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि उत्पत्ति के साधनों में 10% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में भी क्या है, 10% की वृद्धि होती है। जैसे कि डायग्राम में अपन देख रहे हैं, वही अपन OX अक्ष पर साधन A को ले रहे हैं, OY पर अपन साधन B को लिया है। IP1, IP2, IP3, IP4 ये हमारे ISO प्रोडक्ट कर्व में समउत्पाद वक्र हैं। OS हमारा पैमाने की रेखा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्पादन भी, यहाँ पर जितनी इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ में जो देखना है कि स्थिर कॉन्स्टेंट क्या है, तो हम देख रहे हैं OP जो PQ है, PQ का जो डिस्टेंस है वो QR के बराबर है, और QR का जो डिस्टेंस है वो RT के बराबर है। यहाँ ऊंचे ऊपर या कम या ज़्यादा नहीं है, चारों डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट हैं, स्थिर हैं। उत्पादन भी क्या हो रहा है, एक समान हो रहा है, पूरा 100 का अंतर है, 100, 200, 300, 400, यहाँ पर एक समान उत्पादन हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं दो साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादक को एक समान उत्पादन की प्राप्ति हो रही है, और ये स्थिर हैं। साधन क्या है, स्थिर हैं। 10 अनुपात में वृद्धि यदि साधनों की हो रही है तो उसी 10 अनुपात में उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसी को अपन कहेंगे PQ इजकल टू QR इजकल टू RT। इसको अपन पैमाने का स्थिर प्रतिफल या कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। अब थर्ड आपका पैमाने का घटता प्रतिफल या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जिस तरह से अपने इंक्रीजिंग और कॉन्स्टेंट के बताया, डिक्रीज मतलब कम हो रही है, इसका सीधा साधा अंतर है कि जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि हो रही है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो रही है। जब उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो ऐसे तरह से पैमाने को घटते प्रतिफल का नियम या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहा जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि उत्पादन के साधनों में 10% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन इससे कम अनुपात में होता है, उसे हम पैमाने का डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है कि डायग्राम में वही हम देख रहे हैं, OX अक्ष पर अपन साधन A को लिया है, OY अक्ष पर अपन साधन B को लिया है, वही हमारा OS पैमाने की रेखा है। IP1, IP2, IP3, IP4 ये हमारे ISO प्रोडक्ट कर्व हैं। इनके कॉम्बिनेशन के पॉइंट कौन से हैं, PQ, RT इनके कॉम्बिनेशन के पॉइंट हैं, और इन कॉम्बिनेशन पॉइंट पर उत्पादन कितना हो रहा है, 100, 200, 300, 400, ये उत्पादन क्या है, एक समान उत्पादन हो रहा है। हमें मेन चीज ये देखना है पैमाने घटता प्रतिफल क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं PQ का जो डिस्टेंस है वो कम है किससे, QR से, और QR का डिस्टेंस है वो कम है किससे, RT से। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, PQ मोर देन लेस देन QR और QR लेस देन RT। अर्थात ये उत्पादन की अपेक्षा, उत्पादन के साधनों की अपेक्षा उत्पादन में जो अनुपात हो रहा है वह हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए अपन इसको इन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। हम बात करेंगे इन तीनों डायग्रामों को यदि हम किसी एक डायग्राम में प्रदर्शित कर सकें तो किस तरह से कर सकेंगे। तो ये हम देख रहे हैं तीनों पैमाने कौन कौन से, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इन तीनों पैमानों के प्रतिफलों को समउत्पाद वक्रों की सहायता से हम एक डायग्राम में कैसे देख सकते हैं। यह हम देख रहे हैं कि OX अक्ष पर अपन ने साधन A को लिया है, फैक्टर्स जिसको बोलते हैं, और OY अक्ष पर अपन साधन फैक्टर B को लिया है। स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं ये उत्पादन पैमाने का बढ़ते प्रतिफल का नियम काम दे रहा है, PQ RT की जगह यहाँ तक बढ़ रहा है। बीच में दो बिंदु हैं, S और R है, यहाँ कॉन्स्टेंट हो रहा है, और ऊपर जो अपन कह रहे हैं MN है, ये अपने क्या हो रहे हैं, घटते प्रतिफल को बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग का IP1, IP2, IP3
ये अपना बढ़ते प्रतिफल को, IP4, IP5 ये अपने घटते प्रतिफल को, कांस्टेंट प्रतिफल को, और IP6, 7 और 8 हमारा क्या है, घटते प्रतिफल के नियम को बता रहे हैं। तो इस तरह से हम एक ही डायग्राम में तीनों प्रतिपैमाने के प्रतिफल को नियम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारा यूनिट थर्ड फिनिश हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं पैमाने रिटर्न्स टू स्केल। और आगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने फिर प्रदर्शित होंगी, उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।